झूठों का बादशाह केजरीवाल झूठ बोलकर दिल्ली में राज कर रहा है केजरीवाल। दिल्ली की जनता के पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये चोर है और ये जनता को पागल बना रहे। केजरीवाल ने पूरी जनता को दुखी कर दिया, दिल्ली को महंगी और महंगी बिजली कर दी। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। इससे भ्रष्ट आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बढ़ाकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। बसों की खरीद फरोख्त के अंदर अरबों खरबों का घोटाला किया गया है। मैडम 20,000 रुपए हमारी तनख्वाह नहीं है, 20,000 रुपए आप बिजली का बिल दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, केजरीवाल जी को। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से रखा गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन है, बिजली बढ़ोतरी के उस पर रखा गया है ये। इनसे बातचीत करेंगे, लगातार आप देख पाएंगे इनके हाथ में बैनर पोस्टर है। हम केजरीवाल के खिलाफ आए हैं, केजरीवाल ने पूरी जनता को दुखी कर दिया, दिल्ली को। बहुत झूठे वादे करके आया था, मैं ये करूंगा, बिजली कम करूंगा, बिजली फ्री करूंगा, बुरा हाल कर दिया। पहले डीटीसी के कर्मचारियों को पक्का करूंगा, कच्चों को, फिर बोल रहा था जो है सफाई कर्मचारियों को कच्चे करूं, कच्चों को पक्का करूंगा। एक भी सफाई कर्मचारी पक्का नहीं किया, बिजली जो है वो फ्री करूंगा, ये महंगी और महंगी बिजली कर दी। तो हम केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हैं आज। इस्तीफा दो केजरीवाल जी, आप ये कहते थे कि बिजली फ्री रहेगी, ये पूरी महंगाई बढ़ा दी। जो गरीब आदमी है उसका तो मरना हो गया, कहाँ से बिल भरेगा। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। इससे भ्रष्ट आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। झूठ बोलता है, झूठों का बादशाह है, इसका नाम काट दिया, झूठों का बादशाह केजरीवाल। पूरी जनता को दुखी कर दिया, दिल्ली को। झूठ बोलता है, बताइए बताइए। झूठ बोलकर दिल्ली में राज कर रहा है केजरीवाल। कहाँ झूठ बोल रहे हैं, देख बोल रहा है। अरबों खरबों का मकान बना लिया है, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, मंगला नहीं लेंगे, किस लिए बैठ गया दिल्ली में राज करने के लिए? प्रोटोकॉल है, लेंगे ना, सीएम का हक होता है। तो पहले क्यों नहीं लिया उसने? पहले मना क्यों किया? जनता को गुमराह क्यों किया? जनता को गुमराह कराया ना। पेंशन कर्मचारी रिटायर गए, उनकी पेंशन रुकी पड़ी है, 3-3 महीने हो गए, और जो जिनकी देनी थी उनको उनकी कोई पेंशन नहीं। सब ऐसे गोली दे रहा है कि सबको भ्रष्टाचार। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली की जनता सबसे खुशहाल है। जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बढ़ाकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये वो व्यक्ति है जो 2014 के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की बात कह के जनता को मूर्ख बनाकर दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुआ था। दिल्ली की जनता को सब्ज बाग दिखाकर ये लूटता आ रहा है। आज इसी का नतीजा है कि बिजली के बिलों में ये बढ़ोतरी 9.92% जो उन्होंने की है, ये दिल्ली की जनता के पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये हर तरीके से कहता कुछ है और करता कुछ है। दिल्ली के जनता के लिए बस फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए तमाम चीज़ें किए हैं। मैडम एक बात बताइए, बस फ्री कर दिया है जिसके लिए वो कह रहे, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री, ये कांग्रेस के शासन में भी था। बिजली फ्री थी हमारे शीला दीक्षित शासन में, पानी भी फ्री था। ये लोग सिर्फ ना रोजगार मुहैया करा रहे हैं, ना पेंशन मुहैया करा रहे हैं। अब देखिए ना, बिजली का बिल बढ़ा दिया, ये एक तरफ से दे रहा है, दूसरी तरफ से ले रहा है। ये जनता को गुमराह कर रहा है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली का कूड़े का शहर बना दिया है। दिल्ली के अंदर सारा रोड टूटा पड़ा है, ना पानी की सप्लाई अच्छी तरह हो पा रही है, ना बिजली की सप्लाई अच्छी तरह हो पा रही है। और बसें तो आप खुद लोग देख ही रहे हैं, बसें बिल्कुल खाली जा रही हैं, ऐसी जगह पर डिब्बों बना दिए हैं। बसों की खरीद फरोख्त के अंदर अरबों खरबों का घोटाला किया गया है। मैडम केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भाजपा कांग्रेस नहीं कर पाई वो केजरीवाल करके दिखाएंगे। मैडम पिछले 60 साल के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था, देश में सुई भी नहीं बनती थी। ये पौधा नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने और इंदिरा गांधी जी ने जिस पेड़ पौधे को बड़ा किया था, उसके फल आज देश की जनता खा रही है। भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल सरकार दोनों मिलकर भी कोई ऐसी नई नीति नहीं लेके आ रहे हैं जो देश को आगे बढ़ाया जा सके। देश दिन पर दिन बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार के अंदर दलदल में धंसता जा रहा है। ये लोग जनता को कहते कुछ है और करते कुछ है। आपने एक बात नोट की होगी, अभी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ जाति पाति की राजनीति नहीं होती। विदेश के अंदर ये क्या कहते हैं और देश के अंदर ये क्या कहते हैं? देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहे होते हैं, स्टेट के अंदर ये जात पात की लड़ाई कर रहे होते हैं, दिल्ली के अंदर ये अमीर और गरीब की लड़ाई कर रहे होते हैं। बताइए बताइए। मैं मेरा इरादा है
20,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। क्या आप गरीब लोगों की बात करते हो? एक आम आदमी अपने बताने के बाद तुम इस पब्लिक को इस तरह से धोखाबाड़ी आपने करा। 20,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है और ये गरीब आदमी जैसे हम लोग घरदस्ती चलाने वाली लेडीज से हम कहाँ अपना घरदस्ती चलाएंगे? 20,000 रुपए हमारी तनख्वाह नहीं है, 20,000 रुपए आप बिजली का बिल दे रहे हो। पहले आप फ्री करते हो, उसके बाद भी 33,000 रुपए बिजली का बिल दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, केजरीवाल जी को। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया है, ये बस फ्री करिए, पानी भी फ्री करते हो, बिजली का बिल, उसके बाद 20,000 रुपए आप बिजली का बिल भरते हो, है ये फ्री होती है? फ्री बस से क्या करते हो? ये सरकार निकम्मी है और ये फ्री बस नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए था 10 रुपए हम बिजली का बिल में 20,000 रुपए जो आप केजरीवाल सरकार जो बिल से सारा कर रही है, ये सारा वसूल किया जा रहा है, फ्री फ्री का झांसा करा जा रहा है और ये सब वसूल किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है ये सरकार बदलिए। हम आम जनता है, आप आम जनता बन के हमारे बीच में आए थे, आपने बोला था कि मैं गरीबों के साथ हूँ, बहनें मेरी साथ है, आपने फ्री बस करी है तो आपने सब 20,000 रुपए देके आपने सारी जनता का वसूल कर लिया। आपने 20,000 रुपए देके पानी का बिल आपने देके 20,000 रुपए करके जो फ्री बस की थी आपने सारा वसूल कर लिया है। अगर आप फ्री बस कर रहे थे तो पानी फ्री करना था आपको, वो फ्री करा, 20,000 रुपए आपने क्यों दी है? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल सरकार को, जो आम जनता को कट्टर ईमानदार, जब तो बेफा निकल गए, जब तो लोगों को पागल बना दिए लोगों ने, और ऐसे जो कहते हैं कट्टे ईमानदार, ये चोर है और ये जनता को पागल बना रहे, जनता के बीच में घुमा करा जा रहे हैं। 20,000 रुपए बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, 50,000 के भी आ रहे, इतने ही बोलने वाले तो हमारे 50,000 के बिल के माफ करो फिर, जब कट्टर आप बता रहे गरीबों के साथ है। तो आप देख सकते हैं ये लोग का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, ये लोग प्रदर्शन जारी किए हैं केजरीवाल के खिलाफ। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।